नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने हिंदी टीजीटी पीजीटी से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी साहित्य से संदर्भित आदिकाल लेकर उपस्थित हूं। तो आप सभी लोगों का हमारे बीच में स्वागत है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सके। सबका हमारे बीच में स्वागत है। किरण जी, श्वेता जी, शिव प्रताप जी, अनमोल जी, वीरेंद्र जी, गीता जी, मनसा जी, सभी लोगों का स्वागत है हमारे बीच में। किरण मौर्य जी, आपका भी स्वागत है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगाइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिकाल पर। नंदलाल जी, आपका भी स्वागत है हमारे बीच में। सोनम जी, आपका भी, सभी लोगों का स्वागत है। एक बार सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने सभी भाई बहनों तक शेयर करें, अपने सभी मित्रों तक शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ बन पड़े, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। तो चलिए आज बढ़ते हैं आदिकाल की तरफ। आदिकाल, आप जानते हैं, बात अगर हम आदिकाल की करते हैं, इसके सीमा निर्धारण की बात करते हैं, तो तमाम मुद्दे हमारे सामने आते हैं कि आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नामों से अभिहित किया है, क्यों किसी उसी नाम से क्यों जो है उनके द्वारा अभिहित किया गया। और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल एक ऐसा काल है जिसमें सबसे ज्यादा विवाद हुआ है, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने आदिकाल को तमाम नामों से अभिहित करने का प्रयास किया है। आदिकाल की परिस्थितियों और आदिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा कि किन विद्वानों ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है। सबसे पहला जो मूलभूत बिंदु है हमारे लिए वो यही है कि आदिकाल को किसने क्या कहा है। सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद तब बात करेंगे कि आदिकाल की लोगों ने क्या समय सीमा निर्धारित की है। तो आइए बात करते हैं विद्वानों के संदर्भ में कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या कहा है। एक तरफ हम लिख लेते हैं नाम और दूसरी तरफ लिख लेते हैं विद्वान, किस विद्वान ने क्या कहा। यह बहुत जरूरी है, जब तक हम ये नहीं जान लेंगे तब तक बाकी चीजें भी हमारे संज्ञान में नहीं आएंगी। तो वीडियो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि लोग हमारे साथ बने। देखिए, अगर आदिकाल के नामकरण की बात की जाए तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ही शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल किन्होंने रखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आदिकाल नाम अपने आप। ये नाम आदिकाल को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रदान किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आप जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे दो भागों में विभाजित कर दिया था, संधिकाल और चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको क्या नाम दिया है, संधिकाल और चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम डॉक्टर ग्रियर्सन की और डॉक्टर ग्रियर्सन की भी बात कर लेते हैं। ग्रियर्सन ने इसको केवल चारण काल नाम दिया। चारण काल नाम दिया है किसने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनता है बीज वपन काल, बीज वपन काल यह नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग नाम दिया है पंडित राहुल सांकृत्यायन। आरंभिक काल नाम दिया है इसको डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। इतना आप लिखते जाइए फिर हम आगे बढ़े। सभी लोगों का स्वागत है, सुरेश जी आपका भी, अंजलि जी आपका भी, सुमन जी गुड आफ्टरनून, खुशबू जी आपका भी स्वागत है हमारे बीच में। लिखते जाइए आगे हम बढ़ते चले, ये बहुत जरूरी है। और ये जितना भी मैं आपको नाम लिखवा रहा हूं सब बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोद जी सब बढ़िया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। गुड आफ्टरनून श्रद्धा जी, स्वागत है आपका हमारे बीच में। तो ध्यान रखिएगा वीर गाथा काल इसको नाम दिया है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदि काल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। संधि काल और चारण काल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। चारण काल नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। बीज वपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत युग नाम इसको पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। आरंभिक काल इसे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने नाम दिया है। गुड़िया जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारे बीच में। चलिए अगर आपने लिख लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल देखिएगा, प्रारंभिक काल की बात अगर करें तो प्रारंभिक काल नाम इसको दिया है मित्र बंधुओं ने, मित्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया। अपभ्रंश काल नाम इसको दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने और डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने, डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने। इसके बाद आगे अगर बात करें डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल,
डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे अंधकाल जय काव्यकाल और इसके अलावा बाल्यावस्था काल है, इसको खैर कोई बात नहीं है, मैंने यहां पर नाम को पहले कर दिया और काल को बाद में कर दिया, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैंने देख लिया, मैं इसको फिर से बल्कि लिख दे रहा हूं, देखिएगा। हमने आपको बताया प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल नाम इसको दिया है किसने, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने। और इसी कड़ी में अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल नाम इसको तीन लोगों ने दिया है, कौन कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, अंधकाल, बाल्यावस्था काल, सॉरी अंधकाल के बाद जय काव्यकाल और बाल्यावस्था काल, ये तीनों नाम दिया है डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। इसको वीर काल, वीर काल नाम इसको दिया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने इसको क्या नाम दिया है, आरंभिक काल। ये ध्यान रखिएगा। हाँ गुड आफ्टरनून सुभाष जी, स्वागत है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको अंधकार काल, अंधकार काल नाम दिया है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको अंधकार नाम दिया है। आधार काल नाम इसे डॉक्टर सुमन राजे ने और डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको क्या दिया है, आधार काल नाम दिया है।
इसको प्रारंभिक काल तथा शून्यकाल नाम दिया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको दिया है। उद्भव काल नाम इसको दिया है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। किसने दिया है? डॉक्टर वासुदेव सिंह। आए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में ये सब आपसे पूछे जाएंगे, ये जान लीजिए सभी लोग। इसलिए आप इसको अच्छे से पूरा तैयारी के साथ लिखिए, अपना नोट्स तैयार करिए, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न बने तो आप कर पाए, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। और यकीन मानिए, अगर आपने सारी चीजों को सही तरीके से लिख लिया है और तैयार कर लिया है तो कहीं से आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और दो तीन लोगों का नाम लिखवाऊंगा। जितने महत्वपूर्ण नाम थे हमने आपको लिखवा दिए हैं, कुछ नाम मैं आपको एहतियातन लिखवा रहा हूं, हो सकता है आपसे भविष्य में पूछे जाएं, लेकिन यहां तक जो मैंने लिखवाया है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी थे। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद आविर्भाव काल इसको नाम दिया है, डॉक्टर देवव्रत जोशी ने। आविर्भाव काल नाम दिया है डॉक्टर देवव्रत जोशी ने। और अभ्युदय काल, नाम दिया है डॉक्टर मीनाक्षी तनवर ने। और इसको अराजक काल, नाम दिया है डॉक्टर सत्येंद्र पटवर्धन ने। और इसे प्रयाण काल, नाम दिया है डॉक्टर हरिवंश जोशी ने। तो ये आप इतना लिख लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है, बाहर से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर हम आगे बढ़े। चलिए हो गया। बहुत बढ़िया।
नंदलाल जी, ऐसा प्रश्न तो कभी पूछा नहीं गया है अभी तक लोक भाषा काल किसने कहा है, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो मुझे जानकारी दीजिए। ऐसा तो कोई कहा नहीं है और न तो ऐसा प्रश्न कभी पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइए, क्योंकि किताबें लोगों ने बहुत सारी लिखी हैं और जिन लोगों ने शोध किया है उन लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें की हैं। जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं अगर उन पर बात किया जाए तो इससे बाहर से प्रश्न कहीं से आता नहीं है और न तो कहीं से आएगा। बाकी अगर मैं देखूंगा प्रयाण काल है, प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान, वैसे तो सभी लोगों ने तमाम तरह से बातें की हैं, बाकी चीजें मैं देखूंगा, अगर मुझे कुछ और नाम महत्वपूर्ण लगेंगे तो मैं आप लोगों को उसको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी इतना नाम लिख करके आप लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अगर मैं देखूंगा ज्यादा जरूरी कोई और रहेगा तो मैं लिखवा दूंगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जितने लोगों ने शोध ग्रंथ लिखा है सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम दे दिया है, तो आप हजार करोड़ नाम तो याद करेंगे नहीं। हाँ, जितने महत्वपूर्ण है उनके बारे में अगर बात करें तो वो इतना आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो इसके बाहर से कहीं से आपको मिलेगा नहीं। दूसरी चीजें मैं देखता हूं, और भी अगर ज्यादा चीजें मिलेंगी तो मैं आपको जरूर लिखवा दूंगा, टिप्पणी करके या नोट करके, उसके लिए आप परेशान ना हो। आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आदिकाल की सीमा पर। आदिकाल की सीमा पूर्वा पर, आदिकाल की सीमा पूर्वा का मतलब यह हुआ कि आदिकाल कब से शुरू हुआ और कब इसका समापन हुआ। तो यहां पर आदिकाल के दोनों मतलब सिरे की हमको बात करनी है कि कब से आदिकाल किस विद्वान ने कहां तक स्वीकार किया है। अगर इस पर हम बात करें तो यहां कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा यह पूछा जाता है, जिस पर बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, इधर हम विद्वान लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं काल। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे प्रामाणिक की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रमी मानी है, 1375 विक्रमी तक स्वीकार की। देखिए आपको एक बात बताएं, जैसे कोई विद्वान जब नामकरण करता है तो नामकरण एक बार करता है, लेकिन जब अंदर की बातों को बताता चलता है, जब अंदर उस पर एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्यायित करता है, तो उसी को दूसरे दूसरे नामों से कर देता है, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आपने सही कहा कि गणपत चंद्र गुप्त जी ने उसको उन्मेष काल नाम दिया है,
लेकिन वास्तव में मूल रूप से अगर गणपत चंद्रगुप्त जी की बात कभी की जाएगी तो गणपत चंद्रगुप्त के बारे में बस यही माना जाएगा कि उन्होंने उसको प्रारंभिक काल नाम दिया है। ये ध्यान रखिएगा, आगे मैंने आपको दिखाया कि गणपत चंद्रगुप्त ने उसे शून्य काल भी कहा है, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तब बाकी चीजें इतनी ही हैं कि अगर कभी भी वर्गीकरण के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो न तो वहां शून्य काल माना जाएगा और न तो वहां उन्मेष काल माना जाएगा, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक काल माना जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी बहुत ज्यादा डेप्थ में जा करके प्रश्न पूछ लेता है तो वहां पर जैसे पूछ लिया शून्य काल किसने कहा है, उन्मेष काल किसने कहा है, अंधकाल किसने कहा है, अंधकार काल किसने कहा है, तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत डेप्थ में जाने के बाद आपको मिलते हैं, लेकिन वो एकाक प्रश्न ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आदिकाल, अब जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ रहे हैं उसमें आदिकाल के बारे में बातें की गई हैं, तो उन्होंने एक बार जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बार आदिकाल नामकरण दे दिया, लेकिन अंदर उन्होंने जब आदिकाल को व्याख्यायित करना शुरू किया तो उसे तमाम नामों से मान लीजिए बोल दिया, तो जब तमाम नामों से अगर बोले हैं तो उसी में से कोई एक पॉइंट आप पकड़ करके पूछ लिए प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न ज्यादातर यूजीसी की परीक्षाओं में आते हैं, टीजीटी पीजीटी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया दिनेश जी, इसका मतलब आप लोग बहुत अंदर तक गहराई तक अध्ययन कर रहे हैं और ये यकीनन बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका कालखंड कब से कब तक माना है, संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईस्वी में माना है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने सातवीं सदी के मध्य से माना है, सातवीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसका कालखंड माना है 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 तक, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इसका कालखंड माना है 1184 से 1184 से 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी तक। ये आप लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा किया गया वर्गीकरण है और जिन्होंने आदिकाल की समय सीमा को निर्धारित किया है, तो इसमें सबसे जो मान्य समय सीमा मानी जाती है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की मानी जाती है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1000 ईस्वी ही माना है, क्योंकि संवत 150 में से अगर 57 घटा देंगे तो हो जाएगा 993, तो 993 ईस्वी से इन्होंने भी माना है।
देखिए, जो मैं आपको पढ़ाता हूं या जिन चीजों के बारे में बताता हूं, आपका पिछले वर्ष का पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद सारी चीजों को देख समझ करके तब मैं आपको आपका नोट्स लिखवा रहा हूं। और मैं ये भी कि क्या क्या चीजें भविष्य में आ सकती हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए यकीन मानिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना पूरे मनोयोग के साथ नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें आपको विद्वान नहीं बनाना है, हमको आपको सिर्फ इस योग्य बनाना है कि आप एक सीट पा सकें। अभी आपका काम केवल सीट पाना ही है, और विद्वता तो बाद में आती जाती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप सीट के बारे में सोचिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, और किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए सिलेक्शन के बारे में सोचिए, और जितना पढ़ा रहा हूं उतने से आपका सिलेक्शन श्योर है। विद्वता तो जितना पढ़ते जाएंगे उतना आती जाती रहेगी, नहीं पढ़ेंगे तो कम हो जाएगी, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा आएगी। लेकिन हमें और आपको यहां न तो विद्वान बनना है न तो विद्वान बनाना है। हम और आप यहां एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमको आपको सिलेक्शन दिलाना है, और मैं इसी उद्देश्य के तहत आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको 125 प्रश्न कर पाने में कहीं कोई दिक्कत महसूस ना हो, और 125 में 125 सही प्रश्न करके आ पाए, ये मेरा उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने आदिकाल की पूर्वा को निर्धारित कर दिया, अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम उन विद्वानों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। यह भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा है या पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले विद्वान, ये कब से कब तक किस किस विद्वान ने क्या क्या माना है, इस पर थोड़ा सा बात इसलिए करेंगे क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम विद्वान की और प्रारंभिक सीमा की। या आप कह सकते हैं प्रारंभिक काल सीमा। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, एक बार एक एक सीट सब लोग पा लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिंदगी में जो चाहेंगे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसलिए पहला काम आपका एकमात्र है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, इसी पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के साथ हमारी प्रेस्टीज भी जुड़ी हुई है। आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सबसे बड़ा दायित्व यही है कि आपको कैसे भी मुझे सिलेक्शन दिलाना है पढ़ा करके, मेहनत करके। तो सबसे पहले बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से माना है। कब से माना है? 643 ईस्वी से प्रारंभ माना है। 643 में अगर हम 57 आरंभिक काल नाम नहीं दिया है मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है, और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने आरंभिक काल नाम दिया है, जबकि विश्वनाथ मिश्र ने इसको वीर काल नाम दिया है, ठीक है ना? हाँ, वो आप देखिएगा, मैंने लिखवाया है
और देख लीजिएगा उसको किरण जी, हाँ 643 में अगर 57 जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, कितना संवत आएगा? संवत 700 विक्रमी से माना है। इसका मतलब इन्होंने सातवीं शताब्दी से माना है। कब से माना है? सातवीं सदी से माना है। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? सातवीं सदी से माना है। अरे उमेश जी, 43 में जब 57 जोड़ेंगे, 57, तो कितना होगा? 700 होगा ना? हाँ, प्रारंभिक काल नाम गणपत चंद्रगुप्त ने दिया है, और गणपत चंद्रगुप्त ने इसे शून्य काल नाम भी दिया है, और गणपत चंद्रगुप्त ने इसे उन्मेष काल नाम भी दिया है। तमाम नाम दिए हैं, लेकिन प्रारंभिक काल नाम ही जानते रहिए, क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रारंभिक काल नाम इसको मिस्र बंधुओं ने भी दिया है, तो ये चीजें जानते रहिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। कब से माना है? 693 ईस्वी से। इसका मतलब 693 में अगर 57 जोड़ेंगे तो कितना होगा? संवत 750 विक्रमी से माना है। इसका मतलब इन्होंने भी 693 का मतलब क्या हुआ? सातवीं सदी। इन्होंने भी कहां से माना है? सातवीं सदी से ही प्रारंभ माना है इसका। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर लेते हैं। मैं यहां सन की तरह सब सारी चीजों को यहां सन में कन्वर्ट कर रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कब से माना है? 1050 संवत में से 57 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 993 हो जाएगा। तो 993 ईस्वी से प्रारंभ माना है। इसका मतलब संवत 1050 विक्रमी से, इसका मतलब ये मानते हैं दसवीं सदी से। ये कब से मानते हैं? दसवीं सदी से आरंभ मानते हैं। चलिए लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब संवत और सन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हाँ अशोक जी, देखिए ऐसा है, यही तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में मिस्र बंधुओं ने नाम तो उसका प्रारंभिक काल दिया है, लेकिन जो नामकरण किया है पूर्व पूर्व आरंभिक काल और पूर्व उत्तर आरंभिक काल, नाम आरंभिक काल में दिया है, लेकिन उसका जो मूल नामकरण किया है वो प्रारंभिक काल में किया है। जितनी भी उच्च कोटि की पुस्तकें आपको मिलेंगी वहां पर मिस्र बंधुओं को आपको वहां पर प्रारंभिक काल के रूप में ही दिखाया गया है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने पूर्व आरंभिक दिया है, उत्तर आरंभिक दिया है, लेकिन उसका नाम उन्होंने प्रारंभिक काल ही रखा है। हाँ जी, दोनों नाम दिया है पूनम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिस्र बंधुओं ने उसका नाम क्या दिया है? प्रारंभिक काल ही नाम दिया है, वो मैंने आपको लिखवाया है। हाँ पूर्व आरंभिक है और उत्तर आरंभिक है, वो प्रारंभिक नहीं है, लेकिन उसका उन्होंने मूल नाम दिया है क्या? प्रारंभिक काल। देखिए प्रारंभ और आरंभ दो अलग अलग चीजें होती हैं। प्रारंभ का मतलब होता है जो प्री प्लांड किया जाए, जैसे कोई चीज हमने पहले से योजना बना करके किया अगर, तो वो प्रारंभ कहा जाता है।
और आरंभ का मतलब होता है जो स्वतः घटित होने वाली चीजें हो, जो स्वतः कोई चीज अगर शुरू हो जाती है तो वह आरंभ कहलाती है, और प्रारंभ का मतलब होता है जो प्री प्लांड किया गया हो, जो पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो। जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने एक बोल दिया कि आपकी क्लासेज सोमवार से प्रारंभ होंगी, यह आरंभ शब्द यहां नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले से प्लान बनाया है। तो जब पहले से प्लान बना करके आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए प्रारंभ शब्द का प्रयोग करते हैं। फिलहाल मिस्र बंधुओं ने उसका नाम आरंभिक काल नहीं रखा है, प्रारंभिक काल ही रखा है, और इसलिए आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। हां, उन्होंने पूर्व आरंभिक, उत्तर आरंभिक जरूर नाम रखा है, लेकिन जो उसका मूल नाम है वो प्रारंभिक काल नाम ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। मिस्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से माना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना है। चूंकि इन्होंने पहले से ही ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया है तो यहां पर कुछ और कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं, 1000 ईस्वी से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी समय सीमा मानी है 796 ईस्वी से, 796 ईस्वी से माना है, और इन्होंने यहां पर स्पष्टतः लिखा है बौद्ध सिद्धों के साहित्य से, बौद्ध सिद्धों के साहित्य से, बौद्ध सिद्धों के साहित्य से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है माना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र को भी देख लेते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने गोरखनाथ की रचना के समय से इसको माना है, इसका मतलब नाथ संप्रदाय से, गोरखनाथ की रचना के समय से माना है। इन्होंने स्थान आदि का उल्लेख नहीं किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कब से माना है, 1184 ईस्वी से माना है। ये इतने विद्वानों ने शिव सिंह सेंगर का पूछा नहीं जाता अशोक जी कभी भी, ठीक है, क्योंकि शिव सिंह सेंगर की कोई भी तिथि मान्य नहीं है। शिव सिंह सेंगर केवल एक वृत्त चित्त है और कवियों का वृत्त संग्रह मात्र है। शिव सिंह सेंगर की किसी भी डेट पर, किसी भी संवत पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसमें तमाम अशुद्धियां हैं। यह अलग बात है कि उसको हिंदी साहित्य का पहला प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर से कहीं से कोई संदर्भ नहीं लिया जाता है। शिव सिंह सेंगर भले ही पहला ये मान सकते हैं कि किसी हिंदी भाषी के द्वारा लिखा गया पहला पूर्ण रूप से, क्या या थोड़े बहुत समझ लीजिए कि चाहे जिस रूप में आप मान लीजिए कि हिंदी भाषी के द्वारा हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भले ही माना जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अप्रामाणिक बातें हैं और उसके सन पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है,
तो शिव सिंह सेंगर को तो कभी पूछा नहीं जाता है और न तो शिव सिंह सेंगर की रचना से प्रश्न इस तरह से आते हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना। ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया है, इससे ज्यादा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है टीजीटी पीजीटी के लेवल पर। ठीक है, और अगर 770 माने भी हैं तो कोई बात नहीं है, 770 में से 57 घटा दीजिए इस भी आ जाएगा। चलिए इतना हम लोगों ने जान लिया, अब आगे हम लोग बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों पर। आप जानते हैं जब तक हम आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों पर बात नहीं कर लेंगे तब तक हम उसकी प्रवृत्तियों पर भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी समाज का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो किसी समाज की जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, वही प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं, और जिस समाज की जैसी परिस्थिति होगी उसी तरह की प्रवृत्ति भी उस समाज में उत्पन्न होगी और उसी तरह की बदली हुई भावना भी लोगों के बीच में जाएगी। तो वास्तव में अब हमें बात करना है राजनैतिक परिस्थिति पर, धार्मिक परिस्थिति पर, सामाजिक परिस्थिति पर और सांस्कृतिक परिस्थिति पर। इन चार परिस्थितियों पर हमें बात करना है और उसके बाद तभी हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि वास्तव में आदिकाल की कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां थी। भाई प्रवृत्तियों का निर्धारण करने के लिए पहले हमें उस युग की चेतना को देखना होगा, उस युग में क्या क्या कैसे कैसे था, उस युग की तत्काल परिस्थितियां कैसी थी, वह समाज कैसा था, इन सब के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम उसकी प्रवृत्ति के बारे में भी बात नहीं कर पाएंगे कि आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या थी। तो अब हमें बात करना है उनकी प्रवृत्तियों पर और उनकी परिस्थितियों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन आदिकालीन साहित्य परिस्थितियां, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, इसी पर हमें बात करना है। और जो चार परिस्थितियां हैं देखिए, संवत और विक्रमी। संवत जो आपका है यह सन से हमेशा 57 वर्ष आगे, जब आप किसी का संवत प्राप्त करना चाहते हैं तो सन में 57 जोड़ दीजिए, और किसी संवत का सन हासिल करना चाहते हैं तो उस संवत में से 57 घटा दीजिए, वो आपका पद मिल जाएगा आपको सन, तो उसमें केवल 57 का फर्क है। अरे श्वेता जी, जैसे मान लीजिए 1857 है, या मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पर 1850, क्या लिख दिया 1850 ईस्वी, सपोज दैट हमने यहां पर लिख दिया, तो 1850 ईस्वी का अगर हमको क्या पता करना है, मान लीजिए 1850 में हमने 57 जोड़ दिया, तो 1850 में अगर 57 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 1907, यही बनेगा ना। तो 1907 संवत, ये 1907 संवत हो गया। अगर मान लीजिए 1907 संवत को हमको सन में कन्वर्ट करना है तो 1907 संवत माने 1850 ईस्वी। अब समझ में आया, 57 आपको उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है और 57 घटा देना है, तो 57 सन से संवत 57 वर्ष आगे है, बस इतना ही आपको जानना है, 57 घटा देंगे
संवत में से तो सन प्राप्त हो जाएगा और सन में 57 जोड़ देंगे तो संवत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा आजकालीन साहित्य की परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। देखिए वास्तव में पूरे भारत को पिरोने का कार्य किया था उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया। और आप जानते हैं संवत 704 ईस्वी में, सॉरी संवत 704 विक्रमी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। वास्तव में भारत को, क्योंकि उतना ही आगे पीछे करके या उसी आधार पर जो है सन का निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा मुद्दे पर बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 704 विक्रमी में, संवत 704 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। और हर्षवर्धन उत्तर भारत का प्रतापी सम्राट था। क्या था? प्रतापी सम्राट था। और इसने क्या किया था? सभी राजाओं को जोड़ने का काम किया था, सभी राजाओं को इसने जोड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हर्षवर्धन न केवल समूचे उत्तर भारत का महानतम सम्राट था बल्कि उसकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हुआ क्या कि जितने भी राजा थे गहरवाल से लेकर के अगर बात करें हम परमार, चौहान और चंदेल, देखिए श्वेता जी इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पहले संवत को बनाया, तो मैंने कहा ना कि जब उन्होंने संवत बना दी, जैसे 704 विक्रमी संवत है ना, इसमें से आप 57 घटा देंगी तो इनका सन पता चल जाएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे संवत पूछा जाएगा तो संवत बताइएगा, और अगर आपसे सन पूछा जाएगा तो सन बताइएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा ही नहीं जाता, तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है? ठीक है, बस इतना जानते रहिए, जितना लिखवाया है उतना याद कर लीजिए, उससे ज्यादा लिखने की और याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने कहा ना, अगर किसी संवत को प्राप्त करना है तो सन में 57 जोड़ दीजिए, और अगर सन प्राप्त करना है तो 57 घटा दीजिए, बस इतना ही जानना है। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको जितना मैंने बता दिया है उतना नहीं, कुछ नहीं लिखना नहीं पड़ेगा। वो जब जैसे पूछ लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आजकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है, तो मान लीजिए संवत न दे करके उसने 993 ईस्वी कर दिया, तो आप समझ जाइएगा 993 में 57 जोड़ देंगे तो 1050। मान लीजिए आपको संवत याद है 1050, 1050 से 1375, मान लीजिए आपको ये संवत पता है। अब आपको इसको सन में कन्वर्ट करना है तो सन में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। यहां पर 1050 में से 57 घटाइए, ये कितना हो जाएगा? 993 हो जाएगा। और 1375 में से आप 57 घटा दीजिए, तो 57 जब आप इसमें घटा देंगे, जो बचेगा वही वहां से वहां तक इसकी समय सीमा हो जाएगी। तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं मुद्दे पर आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा था, लेकिन और आज का समय भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। कल हम लोग
परिस्थितियों पर बात करेंगे कि आदिकालीन परिस्थितियां क्या थी, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या रही, और उसके बाद आदिकाल के साहित्य पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आदिकाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इन सब पर चर्चा करते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका कहीं से कोई प्रश्न इधर से उधर न होने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल हम इसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।